हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग को लेके। तो ब्लॉग बस मैं खेत से शुरू करी हूँ। हमेशा दिखाती हूँ आपको अपने हरे भरे जंगल। तो आज जैसे मैं खेत में आई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर दूँ, आपको दिखा दूँ कि हमारा मौसम कैसा है। जैसे कि मुझसे मेरे फ्रेंड पूछते हैं कि हिमाचल का मौसम कैसा है, तो देख लीजिए हिमाचल का मौसम कितना बेईमान है। तो ये रहा मेरे खेत, मिर्चों का खेत। तो मैं आई हूँ यहाँ पे मिर्चे तोड़ने। तो ये कुछ मिर्चे लाल हो चुकी है और आज सुबह हमने इसमें ना खरपतवार की थी, तो घास कुछ ज़्यादा हो चुका था और फिर हमने सोचा इसमें पहले खरपतवार की जाए, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे ना हरा भरा बहुत है और इसमें ना सांप वगैरह रहते हैं, बहुत ज़्यादा सांप होते, तो खेत में आना या रास्ते से जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है गाइस। और मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि कितना बड़ा सांप आया है। तो ये जो सांप वाली वीडियो है ना, ये काफ़ी पहले की है मेरे पास, काफ़ी पहले तो क्या, दो चार दिन पहले की है। तो चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैं इस वीडियो को भी। और पार मेरा गाय का मतलब ओबरा है, ओबरा मतलब जिसमें गाय रहती है। ये है मेरे घर, मतलब हमारा गांव है ये साइड में, तो है तो थोड़ी सी दूरी पर वीडियो में काफ़ी दूर लग रहा है। तो मैं खेत में आई थी तो यहीं से शूट कर रही हूँ और यहीं से बता रही हूँ आपको। और ये देखिए गाइस, मौसम कितना घनघोर घटा छा रही है हमारे यहाँ। तो आप बता सकते हैं कि कितनी ज़ोर से बारिश आएगी अभी थोड़ी देर में। तो आजकल आपको पता ही है हिमाचल का मौसम कितना बेईमान हो रहा है, लोग घर से बेघर हो रहे हैं और लोगों को अपने अच्छे अच्छे मकान छोड़ के टेंटों में जाना पड़ रहा है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें। तो देखिए गाइस, ये हमारे पड़ोसी थे ना, तो उनके घर में आज सांप घुस गया था। तो वीडियो में कुछ इतना अच्छा नहीं आया क्योंकि आदमी काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ पे, सांप काफ़ी लंबा था। तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि सांप कितना बड़ा था यहाँ पे ना। तो सांप हमसे भी डरा था क्योंकि सारे गाँव वाले यहाँ इकट्ठे हुए थे ना सांप देखने, इसको बाहर निकाल रहे थे। तो गांव वाले भी डर रहे थे और सांप भी डर रहा था। तो देखिए गाइस कितने लंबा सांप है। आजकल बरसात का टाइम है तो ऐसे ऐसे हमारे को यहाँ पे हमारे घास में या खेतों में मिलते हैं, पर लेकिन आज ये देखिए गाइस अंदर बैठा हुआ है। किचन है ये हमारे पड़ोसियों की, तो किचन में जाके बैठा हुआ है ये। तो चलिए गाइस अब तोड़ लेते हैं करेले और फिर बनाऊंगी मैं करेले। तो मैं बताऊंगी मैं करेले कैसे बनाती हूँ। तो आप भी को मेरी अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहें। यहाँ पे मैं करेले तोड़ रही थी, जब मैं खेत आई थी तो खेत में लगे थे मेरे करेले। तो यहाँ पे मैं इसमें से करेले तोड़ रही थी और इसकी जो टेणियाँ नीचे की ओर झुक रही थी तो उसे भी ऊपर चढ़ा रही थी इसमें बेलने की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो नए लोग पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके भी जाएं। और जो मैं करेले तोड़ के ले जाऊंगी ना, तो मैं कैसे बनाऊंगी इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी दूसरी वीडियो में। इसमें वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी छोटी ही डाली है।